नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और चुनावी रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। बतौर चुनावी रणनीतिकार देश के राजनीतिक दलों में उनकी कह सकते हैं डिमांड बढ़ती जा रही है। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर को कई सफलताएं भी मिली है जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र का सियासी उलटफेर आपने देखा है। महाराष्ट्र में जो सियासी उलटफेर हुआ और जिस तरह से कई दिनों तक पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, उस पॉलिटिकल ड्रामे के लिए भी प्रशांत किशोर को भी वही जिम्मेवार माना गया। और जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, तो उसका श्रेय भी प्रशांत किशोर को ही दिया जाता है। यह कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनने की सलाह प्रशांत किशोर ने ही दी थी। कई बार वो उद्धव ठाकरे से मिलते रहे थे और उन्होंने ये सलाह दी थी उद्धव ठाकरे को कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और अंततः महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, सीएम हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए इसको लेकर भी विवाद हुआ कि क्या जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते हुए प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभा सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यह कहकर इससे किनारा कर लिया कि ये उनका निजी काम है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आए थे। 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और उन 3 सीटों पर टीएमसी ने जीती थी। उसमें से 1 सीट ऐसी भी थी जहां पर टीएमसी कभी नहीं जीत पाई थी, बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उस सीट पर भी टीएमसी ने बीजेपी को हराया। तो माना गया कि ये प्रशांत किशोर की सफलता है, तो संभवतः इन्हीं सफलताओं से आकर्षित होकर प्रशांत किशोर की तरफ राजनीतिक दल खींचे चले आ रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। तमिलनाडु में बातचीत हो गई है, ये खबर है। डीएमके जो तमिलनाडु का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कर्गम, उसके मुखिया हैं स्टालिन। तो स्टालिन से प्रशांत किशोर की बातचीत हुई है और 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है। जनवरी 2020 के बाद प्रशांत किशोर अपने काम पर लग जाएंगे, यानी जनवरी 2020 के बाद वे डीएमके के लिए चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे और बतौर चुनावी रणनीतिकार वो अपना काम शुरू कर देंगे। प्रशांत किशोर को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी भूमिका में दिखेंगे तमिलनाडु में। दिलचस्प यह है कि करुणानिधि और जयललिता के निधन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है और डीएमके ने भले ही लोकसभा चुनाव में 23 सीटें जीती थी, लेकिन माना जा रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव में उसकी राह आसान नहीं है, मुकाबला कमल हसन और रजनीकांत जैसे दिग्गज नेताओं से है, स्टार से है, इसलिए प्रशांत किशोर को हायर किया गया है, प्रशांत किशोर को जिम्मेवारी दी गई है और प्रशांत किशोर अपनी इस जिम्मेवारी के लिए तैयार भी हो गए हैं। बातचीत भी हो गई है डीएमके प्रमुख स्टालिन से और जनवरी 2020 के बाद वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो बड़ी खबर, प्रशांत किशोर डीएमके के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका भी निभाने जा रहे हैं और इससे यह स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर को जो सफलताएं मिली है, चाहे वो महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि उनको श्रेय जाता है, अगर आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सलाह दी थी, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, तो उसके बाद ये दिख रहा है कि प्रशांत किशोर की डिमांड बढ़ रही है और उन्हें दूसरी पार्टी भी हायर कर रही है और दूसरी पार्टियों के राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी निभाने जा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।